Hey guys, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 14,000 के अंदर परचेस कर पाओगे और आपका बजट है 14,000 रुपीज और 14,000 के अंदर एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन चाहिए और जिसके अंदर टॉप नॉन लेवल का परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा, बड़ा बैटरी के साथ प्रीमियम डिजाइन देखने को मिले तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितना भी स्मार्टफोन के बताऊंगा वो सारे स्मार्टफोनों में ये सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अभी के टाइम पे बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो टॉप नॉन लेवल का वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Samsung Galaxy F15 5G। 15,000 के अंदर Samsung की तरफ से एक लेटेस्ट जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 800 nitpick brightness मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 13 5G वन का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की है तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 5 megapixel का अल्ट्रावाइड, 2 megapixel का मैक्रो और 13 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा और 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा 25W चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स 114 पे आएगा। UI 6.1 पे बेस्ड है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की जो 4GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 13,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Samsung की तरफ से F34 और M34। गाइस, Samsung की तरफ से एक अच्छा डिस्प्ले और अच्छा कैमरा के साथ साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। दोनों स्मार्टफोन सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1000 nitpick brightness, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात की जाए तो Samsung की तरफ से Exynos 1280 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 4,20,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर 11 5G वन का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा, 2 megapixel मैक्रो और 13 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में Samsung की तरफ से G5 का सेंसर मिल जाती है OIS के साथ। 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 25W का चार्जिंग को, बट बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। और स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। UI 5.1 पे बेस्ट है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाती है, NFC का सपोर्ट। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 6GB रैम 128GB मेमोरी अभी के टाइम पे 13,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है मोटोरोला G64 5G। गाइस, मोटोरोला की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 240Hz का टच सैंपलिंग रेट, 560 nitpick brightness मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 5 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 14 5G वन का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रावाइड और 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए, 8GB रैम 128GB मेमोरी,
मिल जाएगा 13,999 रुपीस में, और 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट 17,000 के अंदर मिलेगा, डिस्काउंट लगे 16,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर टू पे आता है वीवो T3X 5G, 13,000 के अंदर वीवो की तरफ से एक लेटेस्ट बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली वीवो T3X 5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz को, 1000 nitpick brightness दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,60,000 के ऊपर Android स्कोर निकल जाता है, LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइम मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50MP प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2MP डेप्थ, 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 6000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Android OS 13 पे बेस्ट है। IP64 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है, डुअल स्पीकर फिगर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बॉडी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस को बात की तो 4GB रैम 128GB रैम 13,499 रुपीस में देखने को मिलेगा, और 6GB रैम 128GB रैम 15,000 रुपीस के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर वन पे आता है Realme P1 5G, 15,000 के अंदर टॉप नो लेवल का डिस्प्ले और पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz को, 2000 nitpick brightness HDR का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल जाता है, 9 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइम मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में टॉप नॉइज लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2MP का और एक सेंसर दिया गया है, और 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ट है। स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जो 6GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 16,000 रुपीज में देखने को मिलेगा, डिस्काउंट लगा 13,999 रुपीज में।